देखो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम माई यूट्यूब चैनल स्क्वायर ऑडियंस। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि टिकटॉक पर फोटोग्राफर और अपनी वीडियो बनाकर खुद की किसी भी ऐप के जरिए आप अपलोड कैसे करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लेके आता रहता हूँ ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम टिकटॉक को ओपन कर लेते हैं। ये देखो, मैं वीडियो लगाने के लिए, वीडियो आपको पसंद आ गई है और आप इस पर पिक्चर लगाना चाहते हैं और या आप शेर व शायरी करना चाहते हैं, तो इसकी ऊपर पिक्चर एक नीचे है, नीचे पिक्चर घूम रही है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, इस तरह का इसका यूसेज साउंड लिखा हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का नोटिस पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको अपलोड भी क्लिक करना होगा, साथ में आपको अपलोड मिल रहा होगा। उसके बाद ये देखिए, वीडियो आ गई। हमने इमेज लगानी है, इस तरह इमेज पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो रही है। ऊपर आपको ऑल का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको गैलरी, आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आप उनमें से भी कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं ये पिक्चर लगा लेता हूँ। आपने नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें, इस तरह ये पिक्चर लगी हुई है। और आप यहाँ पे आप कोई भी शेर व शायरी या ऐसे टिकटॉक पर आप वीडियो देखते होंगे शेर व शायरी की होती है, उस तरह आप कोई भी शेर व शायरी कर सकते हैं। ये देखिए, उन्हें सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। ये लिखने के बाद आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। आप और आपको ए फोर मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें, एक बार क्लिक करेंगे इस तरह हो जाएगा। और दूसरे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे उस तरह आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। आप इस तरह जो भी शेर व शायरी लिख सकते हैं। ये देखें, साइड में यहाँ भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, मैं बैक आ जाता हूँ। इससे आप शेर व शायरी भी कर सकते हैं। ये देखें, बैक आ करने के बाद हम बैक चले जाते हैं। देखें, हम बैक आ गए हैं। उसके बाद आप अपनी खुद की वीडियो बनाई हुई अपलोड करना चाहते हैं तो आपको ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद आप अपनी खुद की वीडियो यहाँ से अपलोड करने पे जाएं और यहाँ पे वीडियो मिल रहा होगा, ये आपको ऊपर आल भी मिल रहा होगा। जैसे हम मैंने पहले बताया पिक्चर लगाते हैं, उसी तरह ये देखिए बहुत सी वीडियो है। इस तरह आप अपनी खुद की भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस तरह जो वीडियो चल रही थी उसका सॉन्ग इधर नहीं लगेगा, हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ टेम्पलेट मिल रहा होगा। टेम्पलेट में जाने के बाद ये देखें, ये बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं। इस तरह आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये देखें, और भी आगे से बहुत से हैं। इस तरह के आप लगा सकते हैं। इस पर आपको 3 या 4 फोटो आपके लगेंगे। इस पर सेलेक्ट फोटो करेंगे, आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। फोटो लगाने के बाद आपको साउंड अपना ही ऐड करना पड़ेगा। हम आगे चलता हूँ। ये देखें, ये बहुत से हैं। इसी तरह आप कोई भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, डबल एक्सपोज, इस तरह की बहुत सी वीडियो होते हैं, नीचे पिक्चर लगी हुई होती है, ऊपर से ये देखें इस तरह सा ब्लैक कलर का कलर नीचे की तरफ आता है और नीचे फोटो या कोई भी चीज़ लिखी होती है। इस तरह आइए, आप कैसे लगा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सेलेक्ट फोटो पे करें, इसके लिए आपको ये ब्लैक बैकग्राउंड लेना होगा, ब्लैक पिक्चर या कोई भी चीज़ लेनी होगी। उसके लिए मैं आप गैलरी में जाता हूँ, गैलरी में पिक्सआर्ट फोल्डर में जाता हूँ। इसमें मेरा ब्लैक ग्राउंड पड़ा हुआ है। उसके बाद पहले आपको एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी होगी। देखो, मैं ब्लैक ग्राउंड ढूंढ लेता हूँ। ये देखें, ये ब्लैक ग्राउंड है और पहले आपको ब्लैक ग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद पिक्चर ओके कर दें। ये लोडिंग हो रही है, मैं आगे बताता हूँ आपको। वीडियो को स्किप नहीं करनी, वीडियो को स्किप करेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, ये देखें, इस तरह आप अपनी
पिक्चर के ऊपर इस तरह लगा सकते हैं। आपको डेवलप कोर्स में जाने के बाद ब्लैक ग्राउंड लगाना पड़ेगा, उसके बाद साउंड आपको मिल रहा होगा। साउंड पे क्लिक करने के बाद ये आप माई साउंड में चले जाएं। माई साउंड में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं। आपको वीडियो टू MP3 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, उसके जरिए आप कोई भी स्टेटस ऑडियो करके यहाँ से लगा सकते हैं। ये लगाने के लिए देखें और उसके बाद इस पर आपको टिक कर देना होगा। ये देखें, ये साउंड लग गया। इस तरह आप पिक्चर ओपन होगी, उसके बाद नेक्स्ट कर दें, ये वीडियो टिकटॉक पर अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें आप यहाँ के डिस्क्रिप्शन, जो भी आप हैशटैग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ड्राफ्ट करना चाहते हैं यहाँ से ड्राफ्ट कर दें, बाद में अपलोड कर दें। एक चीज़ और बताऊँ, और आप यहाँ से भी टेक्स्ट में जाने के बाद स्टिकर, यहाँ से कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं स्टिकर लगा लें। ये देखें इमोजीज, स्टिकर, बहुत से स्टिकर मिल रहे हैं। ये स्टिकर लगाना चाहते हैं इस तरह, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह, उसके बाद आपको टेक्स्ट मिल रहा होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस तरह आप यहाँ से कोई भी लिखना चाहते हैं तो, और आपको यहाँ एक आइकन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप स्मोक दे सकते हैं, ये बैकग्राउंड, हल्का बैकग्राउंड, जिस तरह भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लगाऊंगा। इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर या जिस तरह आपका दिल चाहता है उस तरह की वीडियो आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।